हरे कृष्ण भेजो मैसेज दूसरे तो क्या ठीक है कौन है शुरू करें हरे कृष्णा शुरू करेंगे हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा धन्यवाद प्रणाम प्रभु धन्यवाद प्रणाम गुरवे गौर चंद्राय राधिकाय तदाल्यै कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। प्रिय मायापुर इंस्टीट्यूट के भक्ति शास्त्री के भाग्यशाली भक्तों हम भगवद्गीता यथारूप के तीसरा अध्याय कर्म योग का शुभारंभ कल कर चुके हैं। पहले श्लोक में और दूसरे श्लोक में अर्जुन का प्रश्न है और अर्जुन का प्रश्न विशेष रूप से है कि कर्म करना चाहिए या कर्म को त्याग करके और एकांत में बैठ के ज्ञान का अर्जन करना चाहिए। तो ये अर्जुन के समझ में भगवान श्री कृष्ण के वचन नहीं आए थे तो अब भगवान स्पष्ट रूप से कह रहे हैं कि कर्म करना, असल में कर्म करने का यह मतलब है कर्म योग, और कर्म योग भी निष्काम कर्म योग, वो कर्म संन्यास से बेहतर है। दो स्तर पे बेहतर है। पहले स्तर पे ये है कि जब तक हृदय शुद्ध नहीं होगा तब तक तो कर्म का त्याग करना ही नहीं चाहिए, निष्काम कर्म से हृदय शुद्ध होता है। और दूसरा, हृदय शुद्ध भी हो, आपको कर्म की कोई जरूरत भी नहीं हो, फिर भी उदाहरण बनने के लिए समाज अपने कर्तव्य कर्म को पालन करके भगवान को अर्पण करना चाहिए। तो दो कारण बताया, हृदय की शुद्धि, और हृदय पवित्र हो भी गया है कर्म करने से, फिर भी कर्म नहीं करने की जरूरत है तो भी करते रहना चाहिए, क्योंकि उदाहरण स्थापित करने के लिए समाज में। तो आइए हम चौथे श्लोक का शुभारंभ करते हैं। न कर्मणा मना आरंभान नैष्कर्म्य पुरुषो अश्नुते न संन्यासादेव सिद्धिम अधिगच्छति। न कर्मणा मना आरंभान, अगर कोई कर्म का आरंभ ही नहीं करेगा, क्यों नहीं करेगा, बल्कि कर्म करूंगा तो मैं फल में मेरे को फल भोगना पड़ेगा, बंधन पड़ेगा, इसलिए कर्म नहीं करता हूं। निष्कर्म पुष्ण अश्नुति, तो वो व्यक्ति कभी भी कर्म के बंधन से मुक्त नहीं होगा। कर्म करता नहीं हूं इसलिए कर्म के बंधन से मुक्त हो जाऊं, ऐसे नहीं हो सकता है। क्यों, खाएगा तो सही, सोएगा सही, उठेगा सही, कर्म तो होगा ही, तो बंधन से मुक्त नहीं हो सकता है। कर्म शुरू नहीं करेगा और समझेगा मैं बंधन से मुक्त हो जाऊं, ये ठीक नहीं है। न संन्यासा देव सिद्धि अधिगच्छति, और कोई कर्म का केवल त्याग ही कर दे और हृदय शुद्ध ही नहीं हुआ है
और वो सन्यास ले ले, सन्यास माने कर्म योग, सॉरी सन्यास माने ज्ञान योग। सन्यास शब्द की परिभाषा है सब कर्मों का परित्याग करना, और ये है ज्ञान योग के स्तर के ऊपर। तो उसको अभी सिद्धि नहीं मिलेगी क्योंकि हृदय शुद्धि नहीं हुआ है। अब आप तात्पर्य में देखिए, पहले अनुवाद को देखिए, केवल काम का त्याग कर, कर्म का त्याग करने से कोई भी बंधन से मुक्त नहीं हो सकता, और मात्र केवल सन्यास से या त्याग से सिद्धि प्राप्त नहीं होगी। प्रभुपाद लिखते हैं, प्रभुपाद का तात्पर्य है सन्यास आश्रम के ऊपर। सन्यास आश्रम पहले अपने कर्तव्य कर्म को करके हृदय को शुद्ध करना चाहिए, और जब हृदय शुद्ध हो जाए तो फिर सन्यास ले सकता है। इसका मतलब जब हम निष्काम कर्म योग करते हैं तो उसका फल क्या है? निष्काम कर्म योग का फल है हृदय की शुद्धि। और वो कर्म कौन से करने हैं? अपने वर्ण और आश्रम के कर्म। जो हमारा वर्ण आश्रम का कर्तव्य है उसको निभाएंगे निष्काम भाव से तो हृदय शुद्ध होगा। हृदय शुद्ध नहीं हो और कोई सन्यास ले तो सफलता नहीं मिलेगी। अब इसके बाद का जो आप लाइन पढ़ेंगे उसमें लिखा है ज्ञानी, उसके लिए शब्द लिखा है एम्पिरिकल फिलोसोफर। इसका मतलब जो ज्ञान मार्ग पे चलते हैं, इसका अर्थ है ज्ञानी। ज्ञानी केवल सन्यास तो लेते हैं और फिर सब कर्म छोड़ देते हैं, सब कर्मों का परित्याग कर देते हैं और अपने आप को नारायण कहते हैं, और एक दूसरे को मिलते हैं तो कहते हैं नमो नारायण। तो ज्ञानी कर्मों का त्याग करके सन्यास लेते हैं और अपने आप को नारायण समझते हैं, परंतु भगवान श्री कृष्ण ऐसा सिद्धांत स्थापित नहीं कर रहे हैं। अब ये महत्वपूर्ण बात है कि जब तक हृदय की शुद्धि नहीं हुई है, सन्यास समाज के अंदर, कौन से समाज में? वर्ण आश्रम समाज में उपद्रव करेगा। वर्ण आश्रम धर्म के अंतर्गत हृदय की शुद्धि के बगैर सन्यास आश्रम, वर्ण आश्रम व्यवस्था का जो समाजी ढांचा है उसमें उपद्रव पैदा करेगा। ये है केवल सन्यास ले तो सिद्धि नहीं मिलेगी क्योंकि हृदय शुद्ध ही नहीं हुआ है। अब प्रभुपाद जी भक्तों के लिए लिखते हैं, दूसरे हाथ पे अगर देखा जाए, दूसरी ओर कोई भाग्यशाली अगर भगवान की दिव्य सेवा में लगता है और अपने वर्ण आश्रम के कार्य को छोड़ भी देता है, तो जितना भी प्रगति करेगा तो ये साधन कौन सा हो गया? बुद्धि योग। अभी तक जो हमने वर्णन किया वो था ज्ञान योग या सांख्या योग या सन्यास। अब बात हो रही है बुद्धि योग या कर्म योग की। अगर कोई अपने कर्तव्य कर्म को, वर्णाश्रम को छोड़ के भगवान की सेवा में, दिव्य सेवा में लग जाए, तो उसकी जितनी प्रगति करेगा उसमें कभी कोई हानि नहीं होगी। स्वल्पमस्य धर्मस्य त्यायते मातु भयात्, ये जो श्लोक है दूसरे अध्याय में हम पढ़ के आए हैं कि उसका थोड़ा भी भक्ति का साधन बड़े से बड़े भय से बचा लेगा। उदाहरण हमने दिया था इस श्लोक के अंतर्गत, आपको याद है, थोड़ा भी इस भक्तिमय बुद्धि योग के अंतर्गत किया हुआ कर्म सेवा के रूप में बड़े से बड़े भयानक कष्ट से बचा लेगा।
इस श्लोक में उदाहरण दिया था, आपको याद है किसी को? ये वो श्लोक है जिसमें आपको प्रतिवायु न विद्यते के ऊपर लिखना था छोटा सा अपना एक संक्षेप में उस श्लोक के भावार्थ को। आपको उदाहरण याद है किसी को? द्रौपदी का उदाहरण दिया था, अजो अजामिल का लिखा हुआ है किताब में, अजामिल का किताब में लिखा है आपके, भगवद गीता में अजामिल का लिखा है, नारायण का नाम लेने से यम फांस से छूट गया। आपके पुस्तक में खोल के इस श्लोक को देखना, ये 39वां श्लोक है संभवतः या 42वां है, दो का। आप ध्यान से थोड़ा मेहनत करो, थोड़ा ध्यान दो। ये 40वां श्लोक और त्यक्त्वा स्वधर्म जा जो श्लोक लिखा है उससे ऊपर की चौथी लाइन में अजामिल नाम लिखा है, 40:2-40 में, ठीक है। हम 5वां श्लोक पढ़ने जा रहे हैं। इस श्लोक में क्या देखा आपने? दो प्रकार, कर्म करने वाले और कर्म का त्याग करने वाले, एक कर्म संन्यास वाले और एक कर्म करने वाले, कर्म योग वाले, दोनों का इसमें भावार्थ में है। और प्रभुपाद के शब्दों में, कृष्ण भगवद गीता में ऐसा सिद्धांत नहीं स्थापित कर रहे हैं कि कर्म का त्याग करना चाहिए। अब 5वें श्लोक है, नहीं कश्चित क्षण अपनी जातो तिष्ठते अकर्म कृत, एक क्षण के लिए भी कोई बिना कर्म किए रह नहीं सकता। कार्यते ही अवश्य कर्म, अवश्य का मतलब बस नहीं चलेगा, काम करना ही पड़ेगा। स्व प्रकृति जय गणे, क्यों को कौन कराएगा? हमारा स्वभाव कराएगा। हमारा स्वभाव किससे बनता है? प्रकृति के गुणों से। हमारा स्वभाव हमसे कर्म कराएगा, हम एक क्षण के लिए भी काम को छोड़ नहीं सकते। ये श्लोक भी आपके इस निबंध के लिए महत्वपूर्ण है। इसमें जो एक बात है वो सबको सदा के लिए याद रखनी चाहिए, क्यों नहीं कोई निष्क्रिय बन सकता? क्यों नहीं बन सकता? आप तात्पर्य में देखिए, जीव का स्वभाव ही सक्रियता है, निरंतर सक्रिय रहता है जीव। पहली लाइन में ही परंतु जीव का स्वभाव है, आत्मा का स्वभाव है, जीव आत्मा का स्वभाव है सदा सक्रिय रहना। तो जिंदा आदमी है तो काम करेगा, जीता है तो काम करेगा, क्योंकि आत्मा निष्काम हो ही नहीं सकता है, निष्क्रिय। और एक बात लिखी है जो 18वें अध्याय में श्लोक में आता है, ये शरीर एक मशीन है, गाड़ी है आत्मा के लिए। तो शरीर तो है जड़, आत्मा उसको चलाता है, इसका अर्थ ये। अब इसका मतलब है कि आप कर्म संन्यास ले ही नहीं सकते, हर हाल में आपको कुछ तो कुछ करना ही पड़ेगा, खाना पड़ेगा, सोना पड़ेगा, कपड़े पहनने पड़ेंगे, सांस लेना पड़ेगा, चलेंगे तो धरती के ऊपर जीव मरेंगे, तो भी तो कर्म हो गया कि नहीं हो गया। अब प्रभुपाद जी यहां से लिख रहे हैं, जीव आत्मा को तो सक्रिय रहना ही है, अब या तो कृष्ण के लिए काम करो या माया के लिए काम करो, दो ही आपके पास रास्ते हैं। या कृष्ण भावना में काम करो या माया के लिए काम करो। अब एक सिद्धांत बताया जा रहा है और ये सिद्धांत, ये आपके पुस्तक में ये सब बातें लिखी हुई हैं, आप इसको समझने का प्रयास करो। इसके बाद जो बात है वो बहुत महत्वपूर्ण बात है। इस श्लोक के तात्पर्य में
जीव सक्रिय है, जीव आत्मा सक्रिय है, ये सबसे महत्वपूर्ण है। और अब ये सबसे बड़ा महत्वपूर्ण है कि भौतिक प्रकृति के संसर्ग में आने से जीव भौतिक गुणों के प्रभाव से उसका स्वभाव बन जाता है, इसलिए उस प्रकृति के गुणों के स्वभाव में जो दूषित हो गया है वो उसको पवित्र करना आवश्यक है। और उस पवित्र करने की विधि है अपना निर्धारित कार्य करना वर्ण आश्रम के विधान से। शास्त्र में जो जिस ब्राह्मण के लिए है, क्षत्रिय के लिए है, वैश्य के लिए है, चतुर्थ वर्ण के लिए जो नियम है उनका पालन करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? अपने हृदय को शुद्ध करने से, हमारे स्वभाव के ऊपर जो प्रकृति के साथ रहने के कारण गुणों का प्रभाव हो गया है, प्रायः नीचे गुणों का, तमो रजोगुण का इतना प्रभाव भारी होता है, उसको पवित्र करना है। अब जीव सक्रिय है और उसको सेवा तो करनी ही है, और अगर कृष्ण भावना में कामों में लगा हुआ है तो ये उसके लिए अच्छा है। अब एक श्लोक है, ये दूसरे पहले स्कंद भागवत के पांचवें अध्याय का नारद जी ये श्लोक व्यास देव को कह रहे हैं। इस श्लोक के दो भाग हैं, एक भाग में है कि वर्ण आश्रम के नियमों को छोड़कर कृष्ण भक्ति के कार्य में लग जाए और सफल नहीं हो तो कोई हानि नहीं है, और दूसरा पक्ष है अपने वर्ण आश्रम के काम कम बहुत अच्छी तरह ईमानदारी से करे और कृष्ण भावित ना भावित नहीं हो तो क्या लाभ है? तो फिर कोई लाभ नहीं है। अब ये श्लोक को आप इस श्लोक के तात्पर्य को देखें और समझे कि केवल काम करना नहीं है, वर्ण आश्रम के काम का लक्ष्य विष्णु को प्रसन्न करना, कृष्ण को प्रसन्न करना। अगर वो नहीं है तो काम सिर्फ करना है तो मरने के बाद आत्मा तो भटकेगा, फायदे लाभ क्या हुआ? और भक्ति के थोड़े भी काम करे हैं, पूरे नहीं हुए, कोई बात नहीं, मानव का जन्म तो कम से कम मिलेगा। अब लिखता है, लिखा जाता है, परंतु कृष्ण भावना के स्तर तक आने के लिए भी पवित्रता हृदय की आवश्यक है। तो इसलिए संन्यास आदि बिना पवित्रता के लेने से असफल होता है। तो इस श्लोक में भी आपको मिला सक्रिय होना आवश्यक है, निष्क्रिय नहीं हो सकते हैं, कर्म संन्यास नहीं ले सकते हैं। अब हम छठा श्लोक पढ़ने जा रहे हैं, इसमें शब्द जो एक मिथ्याचार है वो महत्वपूर्ण है। कर्म इंद्रियाणि संयम है, आपके कर्म के इंद्रियों को तो आपने संयम में रखा। इंद्रियां कितनी है बताएगा कोई? इंद्रियां कितनी होती है? हाँ जी, हाँ, एक तरह से 11 ठीक है, 5 कर्म इंद्रियां, 5 ज्ञान इंद्रियां, 1 मन, उसको भी इंद्रिय में गिनते हैं, ठीक है। तो यहां लिखा है कर्म इंद्रियाणि संयम है, कर्म इंद्रियों को संयम में किया जाए। यह आसते मनसा स्मरण, लेकिन मन से उसको, मैं जैसे कहूं कि मैं पांव से चल के रेस्टोरेंट में नहीं जाऊंगा, पांव को तो रोक लिया, लेकिन मन कहता है नहीं मेरे को पनीर सब्जी खानी है, तो मन तो आपका मन तो चिंतन कर रहा है लेकिन आपने इंद्रियों को केवल रोका है। इंद्रियाणी विमूढ़ आत्मा, इंद्रिया अर्थात विमूढ़ आत्मा, मन से स्मरण किसका करता है? इंद्रियों के विषयों का। ये विमूढ़ आत्मा है, ये बेचारा मूर्ख है, भ्रमित है,
और ये काम क्या कर रहा है, मिथ्याचार। मिथ्याचार तो सीधा है, मिथ्या मतलब झूठ, आचार मतलब आचरण, उसका आचरण झूठा है। वो तो देखने में साधु लगता है लेकिन उसका मन इंद्रियों के विषयों में भाग रहा है। तो इस श्लोक में इसके लिए मिथ्याचार शब्द जो है उसके ऊपर तात्पर्य प्रभुपाद जी का है। ऐसे बहुत से मिथ्याचारी हैं प्रभुपाद जी कहते हैं, वो कृष्ण भावना में काम नहीं करते हैं और अपने आप को कहते हैं हम बड़ा ध्यान कर रहे हैं, परंतु उनका मन इंद्रिय भोग में लगा होता है। ये पहली लाइन है। और ऐसे मिथ्याचारी कभी कभी बड़ा प्रवचन करते हैं, बड़े बड़े दार्शनिक की बातें करेंगे, क्यों बेचारे, सादे लोगों को भ्रमित करने के लिए, केला बनाने के लिए। परंतु ये श्लोक कहते हैं कि वो बड़े से बड़े मिथ्याचारी हैं। अब प्रभुपाद जी तात्पर्य लिखते हैं ये, इसके बाद अभी तो यह तो हो गया मिथ्याचार की परिभाषा। अब प्रभुपाद जी खास बात लिख रहे हैं, ध्यान दीजिए। अगर इंद्रियों का भोग करना है, इंद्रियां मिली है, शरीर मिली है तो भोग करना है, तो फिर क्या करना चाहिए? अपने वर्ण आश्रम के अंतर्गत ही कार्य करना चाहिए, गृहस्थी बनना चाहिए अगर विवाह करना है तो। और ऐसे करेगा तो आस्ते आस्ते आगे बढ़ सकता है और उसी आश्रम के नियमों का पालन करेगा। देखो ये सोशल स्टेटस जो लिखा है इसका मतलब वर्ण आश्रम के अंतर्गत जो उसकी पहचान है, सन्यासी है तो सन्यासी का कार्य करे, ब्रह्मचारी है तो ब्रह्मचारी का करे, पर वर्ण आश्रम के अंदर गृहस्थ है तो गृहस्था करे। कोई केवल अपने आप को योगी दिखाने का प्रयास करे परंतु इंद्रिय तृप्ति के पीछे लगा रहा है तो बड़े से बड़ा मिथ्याचारी है। उसके प्रवचन और ज्ञान का कोई महत्व नहीं है। ऐसे पापी का ज्ञान माया हर लेती है, ऐसे पापी का मन हमेशा अपवित्र रहता है, इसलिए उसके योग के ध्यान का कोई महत्व नहीं है, कोई उसकी उसका कोई महत्व नहीं है। अब तो इस पूरे श्लोक में खास बात अगर मिथ्याचारी के अंतर अलावा देखी जाए तो क्या है, अतिरिक्त मिथ्याचारी के क्या है, इंद्रियां अगर इंद्रियों का भोग करना है तो वर्ण आश्रम की व्यवस्था के शास्त्र के नियमों के अंतर्गत करना चाहिए। तो यहां भी आप दिखावा करो कि हम सन्यास ले लिया है लेकिन मन आपका इंद्रियों के पीछे भाग और भोग के इंद्रियों के विषयों के भोग के पीछे भाग रहा है तो कर्म का सन्यास लेना मिथ्याचार है। कर्म में लगा रहना, क्षत्रिय है तो क्षत्रिय का कर्म करे, वैश्य है तो वैश्य का कर्म करे, गृहस्थ है तो गृहस्थ आश्रम में रहे, वो ठीक है, आस्ते आस्ते वो प्रगति कर सकता है धीरे धीरे। अब सलाह दे रहे हैं मिथ्याचार से बचने का। यस्त इंद्रियाणि मनसा, जो अपने इंद्रियों को मन से नियम आरभते अर्जुना, अर्जुन उनको नियम में संयम में रखता है। कर्म इंद्रिय है कर्म योगम असक्त स विषय से, कर्म इंद्रिय कर्म योग, कर्म इंद्रियों को कर्म योग में लगाता है। असक्त, असक्त है का मतलब फल में आसक्त नहीं है, विशिष्य थे वो बेहतर है मिथ्याचारी से, कर्म सन्यासी से कर्म करने वाला बेहतर है इंद्रियों को संयम में रखते हुए मन के द्वारा। देखो कर्म योग लिखा है वो बेहतर है, बेहतर है यहां लिखा है विशिष्यते, आपके निबंध में ये संस्कृत का शब्द लिखना चाहिए, कर्म योग विशिष्य है, विशेष है कर्म त्याग से, वो बहुत ऊपर है किससे, मिथ्याचारी से, दिखावा करे कर्म के सन्यास का।
अब देखो प्रभुपाद का तात्पर्य क्या है, झूठा दिखावे का आध्यात्मिकवादी बनने का बनकर और केवल अपने आजीविका के लिए लोगों को भ्रमित करता रहे उससे बेहतर है कि अपने ही वर्ण आश्रम के कार्य को, यहां लिखा है अपने ही कार्य को, क्या कार्य कौन सा, अपना वर्ण आश्रम का कार्य, उसको पूरा अच्छी तरह से करता रहे परंतु अपने जीवन के लक्ष्य को ध्यान में रखे। और वो जीवन का लक्ष्य क्या है, जीवन का लक्ष्य है भौतिक बंधन से मुक्त होकर भगवत धाम जाना। जीवन का लक्ष्य है भौतिक बंधन से मुक्त होकर भगवत धाम जाना। अब एक संस्कृत का शब्द आया, स्वार्थ गतिम, स्वार्थ गति, स्व मतलब अपना, अर्थ माने लाभ, गति मतलब गति का मतलब कहां पहुंचना है, हमारे जीवन का लक्ष्य क्या होना चाहिए, विष्णु। तो वर्ण आश्रम के, देखो आप लिखा ये वर्ण आश्रम शब्द आया, इसमें आया वर्ण आश्रम शब्द, सारे वर्ण आश्रम की व्यवस्था ऐसे बनाई गई है कि हमारे को हमारे लक्ष्य विष्णु को प्राप्त करने में सहायता हो। एक गृहस्थी भी उस लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है कृष्ण भावना के कार्यों को नेम से कर। अगर हमें आत्म साक्षात्कार के मार्ग पर चलना है तो अपने इंद्रियों को संयम में रखना पड़ेगा, जैसे शास्त्र ने नेम बनाए, और अपना वर्ण आश्रम का कार्य, निर्धारित कार्य करना पड़ेगा। देखो यहां लिखा है बिजनेस वो वर्ण आश्रम है, परंतु आसक्ति नहीं करनी है। और ऐसे ही प्रगति का मार्ग, यही प्रगति का मार्ग है। अब एक लाइन लिखा है, ऐसे ईमानदारी से कार्य करना मिथ्याचारी से अच्छा है, वो केवल दिखावे का, एक दिखावे का आध्यात्मिक का लोगों को एक शो जो है, शो बाटल का मतलब है केवल दिखावे का कर रहा है। अब एक लाइन लिखी है, ये भक्ति सिद्धांत सरस्वती कहा करते थे, एक झाड़ू लगाने वाला ईमानदार बेहतर है एक मिथ्याचारी ध्यान का ढोंग कराने वाले से, करने वाले से। ये भी लाइन लिख सकते हैं कि कर्म छोड़ के कर्म संन्यास करेंगे और अगर उसमें सफलता नहीं हुई तो वो ढोंगी हो गया। आप लोगों को सब समझ में आ रहा है, आप, मैं एक शब्द भी भावार्थ से बाहर नहीं बोल रहा हूं, ये सब आपके पास लिखा है, सिर्फ आपको परिभाषा बता रहा हूं। जहां बिजनेस शब्द है वो वर्ण आश्रम का सूचक है। अब आठवां श्लोक पढ़ने जा रहे हैं, नियतम कुरु कर्म त्वम। नियतम का मतलब है जो आपके लिए शास्त्र ने निर्धारित किया है, कौन से आधार पे, वर्ण आश्रम के आधार पे। कर्म ज्यायो ही अकर्मणः, कर्म ज्यायो ही अकर्मणः। ये देखो ये संस्कृत की लाइन आपके निबंध में लिखने की है, कर्म ज्यायो का मतलब बेहतर है होता है। देखो कर्म ज्यायो ही, ज्यायो का अर्थ है बेहतर, अकर्मण का मतलब है कर्म संन्यास। क्यों, शरीर यात्रा पर, यानी शरीर के निर्वाह के लिए भी निष्क्रिय नहीं बन सकते हैं, शरीर तो चलाना है, खाना है, सोना है, चलना है, तो निष्क्रिय से शरीर भी का निर्वाह भी नहीं हो सकता है। इसलिए कर्म बेहतर, कर्म योग बेहतर है कर्म संन्यास से। ये श्लोक के शब्दों को लिखें, कर्म ज्यायो ही अकर्मणः, ये शब्द लिख सकते हैं।
अब प्रभुपाद जी के तात्पर्य को देखिए, बहुत से ऐसे ढोंगी दिखावा करने वाले ध्यान का ढोंग करते हैं और तीन बातें कहते हैं, हम बड़े गोस्वामी परिवार के हैं, कहेंगे हमारे परिवार पुराने गोस्वामी हैं, या कहेंगे हम तो बहुत बड़े, हमारे पास बहुत बड़ा धंधा कारोबार था, सब त्याग कर दिया और ये सब कुछ छोड़ के हम यह ध्यान करने के लिए आ गए हैं। तो अपने कुल की परंपराओं का कहें बड़े हैं हम बहुत बड़े, हमारे बहुत कारोबार कारखाने थे, हमारा बहुत बड़ा ये था, हमने सबका त्याग कर दिया, हम साधु बन गए, ऐसे कहेंगे। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को ऐसा नहीं बनाना चाहता है। अर्जुन का कुल भी बहुत बड़ा है, पांडु वंश का है, बहुत बड़ा कुल है, सब कुछ परित्याग करके छोड़ के जा रहा है, राज छोड़ के जाना चाह रहा है, वनवास जामे संन्यास लेना चाह रहा है, भीख मांग के जीना चाह रहा है। अर्जुन कृष्ण अर्जुन को यह नहीं कहना चाह रहे, उसको मिथ्याचारी नहीं बनाना चाह रहे। वो कहते हैं तुम क्षत्रिय हो, गृहस्थी हो, अपने धर्म को पालन करो। तुम एक सेनापति हो और धर्म युद्ध में अपने कर्तव्य कर्म को करो, जो एक गृहस्थी और क्षत्रिय के लिए धर्म है वो पूरा पालन करो, कर्म सन्यासी तुम्हें कोई जरूरत नहीं है। और ऐसे करोगे तो आपका हृदय शुद्ध हो जाएगा भौतिक गुणों के प्रभाव से, केवल दिखावे के लिए सन्यास ले लो, उसको भगवान श्री कृष्ण ने या किसी भी धर्मशास्त्र ने कर्म सन्यास के लिए सलाह नहीं दी है। यह आपके निबंध के लिए बहुत अच्छा है। दिखावे का सन्यास केवल अपने जीवन निर्वाह के लिए, न कृष्ण इस बात को स्वीकार करते हैं, न कोई शास्त्र में इसका कहीं कोई उदाहरण मिलता है। क्यों? इसलिए कि जीवन का निर्वाह तो करना पड़ेगा, आत्मा को और शरीर को साथ रखने के लिए भोजन चाहिए, सोने के लिए जगह चाहिए, पहनने के लिए कपड़ा चाहिए, पीने के लिए पानी चाहिए, सांस लेने के लिए हवा चाहिए। तो हम ऐसे काम को छोड़ नहीं सकते, अपनी इच्छा से काम को छोड़ नहीं सकते हैं। कब? जब तक हृदय पूर्ण पवित्र न हो जाए भौतिक गुणों के प्रभाव से। ये क्या है जिसको पवित्र करना है, वो क्या चीज है? अब एक प्रश्न आ रहा है, बार बार कहा जा रहा है कि आपको हृदय पवित्र करना है, तो क्या अपवित्रता क्या है? अपवित्रता है हमारा भौतिक प्रकृति का प्रभु बनना, स्वामी बनना, काय के लिए, भोग के लिए, प्रकृति का स्वामी भोग के लिए बनना, यही हमारी अपवित्रता है हृदय की, यही हृदय का मैल है, इसको शुद्ध करना है। और इसके लिए अपना निर्धारित कार्य करना पड़ेगा, दिखावे का कर्म सन्यासी बनने की कोई आवश्यकता नहीं है। ऐसा कर्म सन्यासी बन के और दूसरों के टुकड़ों के ऊपर पले, हृदय शुद्ध नहीं हो तो उसकी कोई आवश्यकता नहीं। अब इस श्रृंखला का अंतिम श्लोक है निष्काम कर्म योग का,
जो बेहतर है कर्म संन्यास से। और ये श्लोक प्रभुपाद जी बहुत बार उद्धृत करते थे, यज्ञ अर्थात कर्मणो अन्यत्र लोको अयम कर्म बंधन। यज्ञ के लिए कर्म करो, नहीं तो कर्म के बंधन में दुनिया फंस जाएगी। तो यज्ञ कौन है? आपको तात्पर्य मिलेगा, यज्ञ है भगवान विष्णु। यज्ञ कहते हैं विष्णु के लिए कार्य करो, कृष्ण के लिए कार्य करो, नहीं तो बंधन में पड़ जाओगे। अब दूसरी लाइन देखें श्लोक की, तदर्थम कर्माणि। तद यहां तद का अर्थ है यज्ञ, और यज्ञ का अर्थ है विष्णु या कृष्ण। तदर्थम कर्माणि मुक्त संग समाचार। आप बंधन से मुक्त हो जाओगे और समाचार अच्छी तरह से अपने यज्ञ को सम्यक रूप से आचरण करोगे तो मुक्त हो जाओगे कुंती पुत्र। आप इस श्लोक में एक ही शब्द को देखें मुख्य रूप से, यज्ञ किसको कहते हैं? दो अर्थ है यज्ञ के, आपने तात्पर्य में देखो। चौथी लाइन, तीसरी लाइन में यज्ञ का अर्थ है भगवान विष्णु, और दूसरा यज्ञ का अर्थ है यज्ञ करना। और यज्ञ किसके लिए करना चाहिए? भगवान विष्णु के लिए। और एक श्लोक लिखा हुआ है, थोड़ा टुकड़ा श्लोक का, यज्ञो वही विष्णु। यज्ञ का अर्थ है यज्ञ है विष्णु। तो विष्णु और कृष्ण कोई अंतर नहीं है। अब देखो ये बहुत महत्वपूर्ण बात आप लोगों के लिए, जो कृष्ण भक्ति कर रहे हैं हम लोग, उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण बात लिखी है। आप लोग इस लाइन को ध्यान से पढ़िए, कृष्ण भावना में जो भी हम कार्य कर रहे हैं वो यज्ञ है, इस श्लोक के आधार पे। संकीर्तन यज्ञ कर रहे हैं, नाम जप यज्ञ कर रहे हैं, जो कर रहे हैं वो यज्ञ है। अब देखो वर्ण आश्रम धर्म का लक्ष्य क्या है, ये यहां लिखा है। वर्ण आश्रम धर्म का लक्ष्य है विष्णु को प्रसन्न करना। विष्णु आराध्यते, विष्णु की आराधना करना वर्ण आश्रम का लक्ष्य है। इसके बाद आप लिखे देखेंगे कि विष्णु के लिए काम करना, नहीं तो काम बंधन का कारण बनेगा, क्योंकि हर काम का फल होता है और फल भोगने के लिए शरीर लेना पड़ता है। तो कृष्ण भावना में कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कार्य करते हैं तो हम मुक्ति के मार्ग के ऊपर आगे बढ़ते हैं। मुक्ति कृष्ण भावना के कार्य मुक्ति का स्तर है। अब इसके बाद एक लाइन बड़ी अच्छी है, ये काम करने का सबसे बड़ी कला है, काम करने की ये सबसे उत्तम कला है, लेकिन इस कला के लिए हमारे मार्गदर्शन की जरूरत है। और वो मार्गदर्शन कहां से मिलेगा? भगवान श्री कृष्ण के भक्त से। इसका अर्थ है भगवान श्री कृष्ण से भक्त से का मतलब जो कृष्ण का प्रतिनिधि गुरु है, अथवा सीधा कृष्ण के निर्देश में काम करे जैसे अर्जुन कर रहा है। तो ये काम करने की कला जिसमें काम बंधन का कारण ही नहीं बनता है, मुक्ति के स्तर पे काम होता है, दिव्य स्तर पे काम होता है, भौतिक स्तर से परे होता है, उसके लिए चाहिए मार्गदर्शन भगवान कृष्ण के प्रतिनिधि भक्त प्रमाणिक गुरु का, नहीं तो साक्षात श्री कृष्ण का, जैसे अर्जुन कृष्ण के निर्देश में काम कर रहा है। कुछ भी इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं करना चाहिए, सब कुछ कृष्ण की संतुष्टि के लिए करना चाहिए। ये केवल हमारे को कर्म के बंधन से नहीं बचाएगा, कृष्ण की प्रसन्नता के लिए काम केवल कर्म के बंधन से नहीं बचाएगा, परंतु भगवान की प्रेममयी सेवा के स्तर पे ले जाएगा और भगवत धाम जाने का अधिकारी बनाएगा, जो मानव जन्म का लक्ष्य है। पहले हम पढ़ के आए हैं मानव जन्म का लक्ष्य क्या है,
भगवत धाम की प्राप्ति करना, भौतिक बंधन से मुक्त होना। तो यहां हमारा पहला विभाग इस अध्याय का पूरा होता है। अब कर्म कांड से कर्म योग, ये 10वें श्लोक से 17 श्लोक तक है या 16 तक जो भी है, इसका हम शुभारंभ करने जा रहे हैं। अभी तक आपका कोई प्रश्न है? वो कर्म योग नहीं है, उसको कर्म कांड हमारे जो शिक्षक हैं, जो शिक्षा देते हैं, वो इसको कर्म कांड लिखते हैं, परंतु उसमें स्वधर्म लिखा है। स्वधर्म का मतलब है वर्ण आश्रम का धर्म, अपने अपने वर्ण और आश्रम के अनुसार कार्य करना। हमारे पास आज सुबह से लाइट नहीं है 6 बजे से, और अभी भी लाइट चली, हाँ चल रहा था कैसे भी इन्वर्टर के ऊपर, कितनी देर चलता है देखें, कुछ काम हो रहा है। तो आप ये तो आप वो उसको कर्म कांड है, कर्म योग नहीं। अच्छा, वो जो उसमें हो सकता है, उसमें हो सकता है कोई एक आधा श्लोक हो जिसमें कर्म योग का संकेत मिलता हो, ये अगर होगा तो कल हम आपको बताएंगे। आपको बंद कर देता हूँ। हाँ। वो मेरा अध्याय 2 और 3 दोनों से रिलेटेड है कि ये वर्णाश्रम जो है उसमें हम इस्कॉन से कैसे रिलेट करेंगे उसको, इस्कॉन में कैसे भविष्य और वर्तमान में। ये आपके, ये आपका जो है क्लोज बुक का प्रश्न है। हाँ जी, हाँ तो ये प्रश्न आपको उत्तर देना है ना, हम तो पढ़ाते जा रहे हैं। इसको आप अभी रखिए, अभी पूरा होने दीजिए, ये पूरा विभाग होने दीजिए, क्योंकि वर्ण आश्रम पहले श्लोक धर्म से लेके और अंतिम धर्म तक ये पूरे का पूरा वर्ण आश्रम है। कृष्ण भावना में भी अर्जुन कृष्ण भावना में है कि नहीं? तो फिर वो भी अपने वर्ण आश्रम का कार्य कर रहा है भगवान श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कि नहीं? वर्ण आश्रम के अंतर्गत जितने कार्य हैं वो कृष्ण की प्रसन्नता के लिए किए जा सकते हैं। और फिर प्रभुपाद जी कई जगह कहते हैं आप वर्ण आश्रम को नए सिरे से शुरू नहीं कर सकते हैं, आप कृष्ण भावना में हैं तो पहले से ही आप वर्ण आश्रम से ऊपर उठ गए, वैष्णव हो गए। और परंतु अंत समय प्रभुपाद ने कहा मैंने समझा वर्ण आश्रम की आवश्यकता नहीं है, लेकिन अब मैं समझता हूं कि देवी वर्ण आश्रम हमारे लिए बहुत जरूरी है। तो ये एक ऐसा प्रश्न है जिसमें कोई निर्धारित इसका उत्तर आप नहीं दे सकते हैं। हर व्यक्ति अपने अनुभव से कृष्ण भावना में भविष्य में किस चीज की आवश्यकता है। प्रभुपाद चाह रहे थे कि अभी कहा मैंने 50% काम पूरा नहीं किया है, वर्ण आश्रम हमारे जो है स्वालंबित अपने आप पे निर्धारित ऐसे जो है कृषि और गौरक्षा के ऊपर आधारित होने चाहिए। ये प्रभुपाद की इच्छा थी कि वहां भाई वैश्य के बगैर काम कैसे चलेगा भाई। अब हमारे मंदिरों में पुस्तक छाप रहे हैं, पुस्तक वितरण कर रहे हैं, ये काम तो वैश्य का है, लेकिन ये दिव्य वैश्य का काम है। ये कोई वैश्य अपने लिए नहीं कर रहा है, कृष्ण भावना के लिए कर रहा है। अध्यक्ष बनना मंदिर का ये तो क्षत्रिय का काम है। तो ये सब काम हम कर रहे हैं, कृष्ण भावना के अंदर भी इन कामों को कर रहे हैं, और कितना करने की आवश्यकता है। असल में देखेंगे जो भी हमारे पास इस्कॉन में आजकल आता है वो कहता है ब्राह्मण दीक्षा ले लो। भाई ब्राह्मण दीक्षा लेना तो ठीक है क्षत्रिय, अब हमारे मंदिरों के अंदर बड़ा मंदिर आप बॉम्बे का देखो के दिल्ली का देखो, वृंदावन का देखो, मायापुर का देखो, कोई 20 लाख 15 लाख 18 लाख सिक्योरिटी का बिल है। क्या हम क्षत्रिय अपने पैदा नहीं कर सकते जो रक्षा करें हमारे मंदिरों की? क्या हमारे भक्त में कोई, हमारे भक्त क्षत्रिय नहीं हो सकते क्या? तो उनको क्षत्रिय, अर्जुन को भगवान तो भगवत गीता अर्जुन को दे रहा है, ब्राह्मण को दे नहीं रहा है, सन्यासी को दे नहीं रहा है, एक गृहस्थी को दे रहा है।
और एक क्षत्रिय को दे रहा है, तो क्या हमारे को क्षत्रिय बनाने में कोई क्यों नहीं बनाते हम, कोई हमारे अपने जो है रक्षक हम अपने क्यों नहीं बनाते हैं? उनको सम्मान क्यों नहीं देते हैं? और ऐसे हमारे को अनाबदा से जाके हम सड़ी गली सब्जियां लाते हैं, जिसको जो जिसके अंदर जहर मिलाया हुआ है केमिकल, अपने खेतों के अंदर क्यों नहीं शुद्ध भगवान को भोग कैसे लगाएंगे? जब तक शुद्ध घी नहीं होगा, शुद्ध फल नहीं होगा, शुद्ध अन्न नहीं होगा, तो ये हम खुद क्यों नहीं पैदा कर सकते? कृषि, गोरक्षा, वाणिज्य, वैश्य का कार्य हम क्यों नहीं कर सकते? तो हमारे भक्त ये कार्य करना चाहिए ना हमारे भक्तों को। मैं इस वक्त मंदिर में पोचा लगा रहा हूं तो काम शूद्र का कर रहा हूं, लेकिन दिव्य विरण, इसलिए जो शब्द है कृष्ण भावना में वर्ण आश्रम के लिए शब्द है दिव्य वर्ण आश्रम। भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज श्री प्रभुपाद ने कहा दिव्य वर्ण आश्रम विभाग व्यवस्था, दिव्य वर्ण आश्रम व्यवस्था का मतलब ये वर्ण आश्रम गुणों से ऊपर है, लेकिन फिर भी हरेक का स्वभाव कार्य करने का जो है उसी में कार्य को लगाना, वो व्यक्ति उसी, ये गुरु का असल में कर्तव्य होता है, ये गुरु का विशेष काम है अपने शिष्य का स्वभाव देख के क्षत्रिय का है, ब्राह्मण का है, वैश्य का है, उसकी सेवा कृष्ण में के सेवा में उसको लगाएगा तो वो अपने स्वधर्म से भगवान की सेवा करेगा। ये आगे श्लोक आएगा, अपने धर्म से 18वें अध्याय में आएगा, स्वधर्म से भगवान की सेवा करने से सिद्धि मिलेगी, जो उसका काम है उसी से सिद्धि मिलेगी। अभी इसी अध्याय में आगे आएगा कि अपने अपने स्वाभाविक कर्म को करना अच्छा है, धर्म वर्ण आश्रम के अनुसार दूसरे के कर्म को देख के उसका नकल नहीं करना चाहिए, लेकिन दिव्य स्थिति हमारा, हमारे को दिव्य वर्ण आश्रम स्कान के अंदर कृष्ण भावना में दिव्य वर्ण आश्रम की स्थापना का वर्णन है प्रभुपाद जी का। बहुत एक बार माया वृंदावन में रोज सुबह जाते थे जब शेर करने घूमने के लिए, तो इस वर्ण आश्रम के ऊपर बहुत बोले थे, छोटा पुस्तक छपा था वर्ण आश्रम के विषय में प्रभुपाद जी का विचार, आज से मेरे ख्याल 30 साल पहले हमने पढ़ा था, अब वो पुस्तक के रूप में है नहीं, उस वक्त में छोटा सा छपा था एक, तो प्रभुपाद ने धारावाहिक रोज वर्ण आश्रम के ऊपर बोलते थे। तो ये ऐसा विषय है जिसके ऊपर आपको जो आपकी समझ में आए वो लिखे, ऐसा नहीं है कि उसका कोई निर्धारित एक उत्तर है, ऐसा नहीं है, ये हरेक की अपनी क्रिएटिव जो उसका अपने अंदर जो प्रतिभा है उसके आधार के ऊपर इसको देखना है। हरे कृष्ण। एक शब्द याद कर लो जिंदगी में, कोई भी काम करो उससे पहले कहो कृष्ण प्रीति अर्थे, कृष्ण की प्रसन्नता के लिए, उससे भी अच्छा कहना है तो हरि गुरु वैष्णव प्रीति अर्थे, भगवान की गुरु की और वैष्णव की प्रसन्नता के लिए ये कार्य कर रहा हूं, ये आपकी मानसिकता पहले से होनी चाहिए, ये है कृष्ण भावना भावित कार्य करने की शैली। और कोई कार्य पूरा हो जाए, दरवाजा खोले से थोड़ी रोशनी आए बंद कर, और कोई कार्य पूरा हो जाए आपसे तो कहो कृष्ण अर्पण मस्तु, मैंने श्री कृष्ण को अर्पण किया। ये दो शब्द अगर जीवन में सीख लिए तो आपके सारे कार्य कृष्ण भावना भावित हो जाएंगे, बंधन से मुक्त हो जाओगे। पहले जबान से कहोगे, फिर हृदय से कहना शुरू होगे, फिर कार्य होंगे ही ऐसे। भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज को कोई कहता महाराज हमारे मंदिर में आइए, कभी नहीं कहता मैं आऊंगा, जो कृष्ण की इच्छा, जो कृष्ण की इच्छा, तो वो अपने तरफ से नहीं चलते हैं, कृष्ण की इच्छा से चलते हैं, उनके निर्देश में चलते हैं। तो ये दो शब्द पहले कहना सीखो, आदत बनाओ, हरि गुरु वैष्णव प्रीति अर्थे, मैं भोजन क्यों बना रहा हूं? भगवान श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए, गुरुजनों और वैष्णव की प्रसन्नता के लिए। मैं क्या, मैं अध्ययन क्यों कर रहा हूं? हरि गुरु वैष्णव की प्रसन्नता के लिए। ये भी यज्ञ है, स्वाध्याय यज्ञ है,
ये अध्ययन करना एक यज्ञ है जो आप कर रहे हैं। ये चौथे अध्याय में इसको यज्ञ कहेंगे, दरवाजा खोल दीजिए बस, ये एक यज्ञ है। और टॉर्च लाइट मैंने पढ़न ला। और कोई और कोई प्रश्न है क्या? हाँ जी प्रभु, तीन तरण चैतन्य प्रभु अपना प्रश्न पूछे। हरे कृष्ण प्रभु जय। हाँ जी, अगर बोलते हैं आप बोले कि प्रभु जी हर एक जितना भी कार्य टॉर्च लाइट, तो जैसा कि हम लोग जॉब करते हैं प्रभु जी, तो वो क्या भगवान के लिए भगवान प्रसन्न के लिए करते हैं कि अपना लिए? ये आप कर रहे हैं, मैं तो नहीं कर रहा हूं, आप बोलो आप काय के लिए कर रहे हैं? ये तो आप जॉब कर रहे हैं ना, तो आप बताइए काय के लिए कर रहे हैं? भाई देखो, आप जो जॉब कर रहे हैं अपने परिवार के पालन के लिए कर रहे हैं, लेकिन आप जो कृष्ण भावना में आ रहे हैं, तो आप अपने मन को ये समझाओ कि ये मैं काम कर रहा हूं, इस काम से जो आपने मेरे को पत्नी पुत्र दिया या माता पिता दिया, ये भगवान आपके भक्तों की सेवा के लिए कर रहा हूं और ये आपकी सेवा के लिए कर रहा हूं, ऐसा अगर मन की वृत्ति बनाओगे तो अच्छा है। ये क्या है, सारी चेतना को बदलना है। काम तो वही अर्जुन से वही काम भगवान ने कराया, तीर चलाने का, ऐसा नहीं अर्जुन को मंदिर में बिठाया, लेकिन सिर्फ उसकी चेतना को बदला। पहले अपनी इच्छा से कर रहा था, अपने इंद्रिय तृप्ति के लिए कर रहा था, अब श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कर रहा है। बस आप नौकरी कर रहे हैं, धंधा कर रहे हो, कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कर रहा हूं, इससे जो मुझे मिलेगा उससे मैं भगवान के मंदिर में सेवा करूंगा, भगवान के पुस्तक वितरण में सेवा करूंगा, अपने परिवार में प्रचार करके वापस जाऊंगा अपने गांव में, तो वहां मंदिर बनाएंगे हम, उधर प्रचार करेंगे। ऐसा अगर मन का भाव है तो आपके सारे कार्य ये कृष्ण भावना के हो सकते हैं। वैसे भी आप बाहर के देशों में अगर कहीं कार्य कर रहे हो तो कृष्ण भावना ने आपने आपको कितना लाभ दिया, चाय पीना छुड़ा दिया, नशा करना छुड़ा दिया, बाहर घूमना छुड़ा दिया, कितना पैसा बच रहा है और सादा जीवन आपका हो गया। तो जो पैसा बच रहा है उससे कृष्ण की सेवा के कार्य का सोचो, तो आपका कार्य भी भगवान की सेवा हो जाएगा। यही आपकी कला है। वहां से छोड़ के कभी आओ मायापुर में, आप मानो कि वहां आप जो है कोई ऐसा कार्य कर रहे हो, प्लम्बिंग का कार्य कर रहे हो, कोई कर रहा है कि या कोई और मशीन, तो वहां यहां आके भगवान की सेवा में वही कार्य जो आपने कला सीखी है भगवान की सेवा में लगा सकते हैं। तो ये चेतना के ऊपर है, ये इसके लिए कोई कानूनी किताब नहीं है। अब हम 10वें श्लोक का पाठ करने जा रहे हैं। ये महत्वपूर्ण श्लोक है, इसको हम प्रचार के लिए नए लोगों को प्रचार करते हैं तो इस श्लोक को हम ज्यादा उद्धृत करते हैं। भगवान कह रहे सह यज्ञ प्रजा सृष्टवा, यज्ञ के साथ मैंने सृष्टि की, मानव बनाया, देवता बनाया। प्रोवाच प्रजापति, मैं प्रजापति हूं, सबको उत्पन्न करने वाला हूं। मैंने ये सिद्धांत बताया क्या, अनेन प्रसव विश्वधूम, आप ये यज्ञ करो, एशवो अस्त्र काम धुक, ये आपकी सब कामनाएं पूरी करेगा। तो यज्ञ आपकी सब इच्छाएं पूरी करेगा। इसका मतलब भगवान ने यज्ञ को पैदा किया हमारे साथ, देवताओं के साथ, और कहा कि यज्ञ करो आपकी सब इच्छाएं पूरी होंगी। तो ये भगवान ने यज्ञ की बात कही तो आपके मन में आएगा कि यज्ञ करने के लिए घी चाहिए, आग चाहिए। अब हमारे फ्लैट में एक कमरे में रहते हैं, यज्ञ कैसे करेंगे? तो क्या भगवान की बात के लिए होती है कि नहीं? एक यज्ञ भगवत गीता के 10वें अध्याय में आएगा, यज्ञानाम जप यज्ञ अस्मि, सारे यज्ञों में मैं जप नाम का यज्ञ हूं। तो ये जप सबको कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? और भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु कहते हैं नाम संकीर्तन यज्ञ, प्रभुपाद लिखेंगे इसमें, इसके तात्पर्य में हमको जरूर मिलेगा कि संकीर्तन यज्ञ, तो ये यज्ञ कर सकते हैं। परंतु क्योंकि कर्म कांड का विभाग है तो वेदों में बहुत से यज्ञों का वर्णन है। हम अब देखते हैं, प्रभुपाद लिखते हैं भगवान विष्णु ने जब यह सृष्टि की, क्यों की? प्रभुपाद जी का, भगवान विष्णु ने यह सृष्टि क्यों की? हम बद्ध जीवों को भगवत धाम जाने का अवसर देने के लिए। ठीक है, बद्ध जीवों को भगवत धाम जाने का अवसर देने के लिए।
और बद्ध क्यों कहा जा रहा है हमको? दूसरी लाइन में पढ़िए, बद्ध क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि हम भगवान विष्णु के संबंध से, भगवान के विष्णु के संबंध को भूल चुके हैं। जो जो भगवान को भूलता है वो बद्ध जीव है, और जिसको भगवान की स्मृति सदा बनी रहती है वो मुक्त जीव है। ये एक आपकी परिभाषा हो गई। मुक्त कौन है? जिसको सदा कृष्ण की याद है। और बद्ध कौन है? जो कृष्ण को भूल चुका है। बहुत सरल। और सारे शास्त्रों में ये इस ऋषि, ये जो भगवान के साथ हमारा संबंध है, इसको पुनः जोड़ने के लिए, और भगवत गीता में तो लिखा है वेदेश सर्वे रहमे वेद, सारे वेदों का उद्देश्य श्री कृष्ण को जानना। ये 15वें अध्याय का श्लोक है, सारे वेदों का उद्देश्य भगवान श्री कृष्ण को जानना। इसके बाद प्रजापति जो शब्द है ऊपर, क्यों कोई कह सकता है प्रजापति ब्रह्मा को भी कहते हैं, प्रजापति दक्ष भी है, तो यहां प्रजापति की परिभाषा विष्णु कहने के लिए यहां ये श्लोक है, पतिम विश्वस्यात्मेश्वरम। वेदों में लिखा है भगवान विष्णु प्रजापति है जो सबकी सृष्टि करता है। और फिर भागवत में सुखदेव गोस्वामी की जो दूसरे अध्याय में मंगलाचरण है, उसमें भगवान सबका पति है, वो लिखा है प्रजापति भी है, पूरा श्लोक दिया है प्रभुपाद जी ने, श्री पति यज्ञ पति प्रजा पति धियान पति लोक पति धरा पति पतिर गतिश्च अंधक वृष्णि सात्वताम प्रसीदताम में भगवान सताम पति। सताम कहते हैं भक्त को, भक्तों के पति। उसमें देखो पहली लाइन में प्रजापति है, तो प्रजापति यहां है भगवान श्री कृष्ण या विष्णु। और फिर कहा जा रहा है कि यज्ञ कैसे किया जाए यह सीखना चाहिए हमको, और यज्ञ किसके लिए किया जाए? विष्णु की प्रसन्नता के लिए किया जाए। और क्यों किया जाए? क्योंकि यह भौतिक शरीर छोड़ते ही भगवत धाम की प्राप्ति हो। और यज्ञ करने से आस्ते आस्ते हमारा दिव्य जीवन हो जाएगा। अब प्रभुपाद जी लिखते हैं, देखो कल युग में एक ही यज्ञ सब कर सकते हैं, वो है संकीर्तन यज्ञ, जिसका उद्घाटन भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने किया। और कैसे हैं जब चैतन्य महाप्रभु? पति तपावन है कल युग में, पति तपावन भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने सब लोग कर सके ऐसे यज्ञ का विधान बताया है, वो है संकीर्तन यज्ञ। और संकीर्तन यज्ञ और कृष्ण भावना दोनों साथ साथ चलते हैं। अब प्रभुपाद जी कहते हैं भागवत में चैतन्य महाप्रभु के अवतार का वर्णन है, ये भागवत के 11वें स्कंद का श्लोक है, कृष्णा वर्णम त्वेषा कृष्ण शांगोपांग अस्त्र पार्षदम यज्ञ ही संकीर्तन प्राय यदंती सुमेधसा। ओ भगवान श्री कृष्ण वापस आएगा लेकिन सांवले रंग का नहीं होगा, वो होगा गोरे रंग का, लेकिन उसकी जबान के ऊपर वर्णन करेगा कृष्ण का। वर्ण का अर्थ रंग भी होता है और वर्ण का अर्थ वर्णन भी होता है। जिसकी जबान पे सदा कृष्ण कृष्ण होगा और उसके साथ शंख चक्र गदा ये अस्त्र वर्ग नहीं होंगे, ये हथियार नहीं होंगे, उनके साथ पंच तत्व होंगे और पार्षद होंगे, और वो संकीर्तन यज्ञ करेगा और जो बुद्धिमान है उनको पहचानेंगे। अब प्रभुपाद कहते हैं जो वेदों में यज्ञ है जिसके लिए घी चाहिए, प्रभुपाद जी कहते हैं आप शुद्ध घी कहां से लाएंगे, पंडित कहां से लाएंगे जो मंत्र उच्चारण करे, जगह कहां है जहां करें? आज आप एक दो रूम के फ्लैट में रहते हैं, इसलिए संकीर्तन यज्ञ सबके लिए सरल है और दिव्य है। और सारे यज्ञों का, दूसरे यज्ञों का जो फल है वो मिल सकता है, और ये भगवत गीता में भी इस यज्ञ का वर्णन किया है। ये प्रभुपाद जी संकीर्तन शब्द कहाँ है? ये 9 का 14 है,
सततम कीर्तनयन्तो माम यततंश्च दृढ़वर्ता नमस्यन्तश्च माम भक्त्या नित्य युक्ता उपासते। ये महात्मा के लक्षण है, सदा कीर्तन करता है, भगवद गीता का ये उल्लेख है। अब 11 श्लोक में कर्मकांड ये है, ये कर्मकांड की परिभाषा है। आप देवताओं को प्रसन्न करेंगे यज्ञ करके, तो देवता आपको आपकी आवश्यकता की सब चीजें देंगे, और ऐसे आप एक दूसरे का प्रसन्न करके सुखी हो जाएंगे। तो यज्ञ काय की, तो अब ये क्या है कि वेदों में जो यज्ञ हैं देवताओं के लिए, अब देवता कौन है और क्या कार्य करते हैं आप देखिए। देवता है भगवान के अलग विभागों के अधिपति, इस सृष्टि के संचालन में। किसी के पास वायु का विभाग है, किसी के पास विद्युत का विभाग है, किसी के पास जल का विभाग है, या आप देख लीजिए यहां लिखा है। तो ऐसे अनंत भगवान के सहायक हैं, उनको प्रसन्न प्रसन्न होते हैं या कभी अप्रसन्न नहीं होते हैं, इनके ऊपर हमारे ये यज्ञ के ऊपर निर्धारित है। यज्ञ करेंगे तो प्रसन्न होंगे, यज्ञ नहीं करेंगे तो नाराज हो जाएंगे। वो इंद्र नाराज हो गया था ना, भगवान श्री कृष्ण ने जब यज्ञ बंद कराया था इंद्र का, तो वो नाराज भी होते हैं। तो उनकी नाराजगी या राजी होना यज्ञ के ऊपर निर्धारित है। कोई यज्ञ किसी देवता को प्रसन्न करने के लिए है, परंतु अंततो गत्वा विष्णु ही यज्ञों का फलदाता है, सबको फल वही देते हैं। जैसे भगवद गीता के 5वें अध्याय का अंतिम श्लोक आएगा, भगवान श्री कृष्ण भोक्तारम यज्ञ तपसाम, सारे यज्ञों का भोक्ता भगवान श्री कृष्ण है और सब यज्ञों का फल देने वाला भी वही है, या सबका सब यज्ञों का ग्रहण करने वाला वही है। अब एक खास बात प्रभुपाद जी लिखते हैं, ध्यान दीजिए, अगर यज्ञ किए जाएं तो कभी भी किसी चीज का अभाव धरती के ऊपर नहीं होगा मानव समाज में, सब चीजें हमारी आवश्यकता की समय के ऊपर मिलती रहेंगी। अब कहते हैं यज्ञ करने के और भी कुछ लाभ हैं, मुख्य उद्देश्य तो विष्णु को प्रसन्न करना है, लेकिन और भी लाभ है। और लाभ क्या है कि हम मुक्ति के मार्ग पर अग्रसर होते हैं, भौतिक बंधन से मुक्त हो जाते हैं। यज्ञ करने से हमारे सारे कार्य पवित्र हो जाते हैं। वेदों में लिखा है क्या लिखा, आहार शुद्धि, आपका आहार शुद्ध हो जाएगा, सत्व शुद्धि, आपका अस्तित्व शुद्ध हो जाएगा, सत्व शुद्धि ध्रुवा शुद्ध स्मृति, आपका अस्तित्व शुद्ध हो गया तो आपकी स्मृति जो है वो ध्रुव, ध्रुव कहते हैं अटल को, वो एक जगह स्थिर हो जाएगी व्यवसाय आत्मिका बुद्धि की तरह। स्मृति लभते सर्व ग्रंथी नाम, और आपकी स्मृति का मतलब भगवान किसे कही, आपको याद आ गई अब मैं भगवान का हूं ये आ गया, तो आपको लाभ क्या हुआ, सब ग्रंथी लभते सब ग्रंथिम विप्र मोक्ष, सारे बंधन से मुक्त होके सब बंधन से मुक्त हो जाएगा, मुक्ति के मार्ग पे आगे जाएगा। तो ये शुद्धि का विभाग कैसे शुद्धि होगी, आहार की शुद्धि होनी चाहिए। आहार की शुद्धि कैसे होगी, इसके बाद का श्लोक आएगा, दो श्लोकों के बाद यज्ञ शिष्टासन संतो मुच्यंते सर्व किलवश, ये श्लोक आएगा कि भगवान को अर्पण करके प्रसाद खाने से आपका आहार शुद्ध हो गया, तो मन शुद्ध हो जाएगा, अस्तित्व शुद्ध हो जाएगा, स्मृति शुद्ध हो जाएगी, भगवान की याद आ जाएगी, तो बंधन से मुक्त होके भगवत धाम जाने के अधिकारी हो जाएंगे। प्रभुपाद जी कहते हैं आधुनिक समाज में इस शुद्धि और कृष्ण भावना की बहुत आवश्यकता है, ऐसी शुद्धि की और कृष्ण भावना की आधुनिक समाज में बहुत आवश्यकता है। अब अगर कोई ऐसे देवताओं के लिए यज्ञ नहीं करता है, देवताओं के दिए हुए
सारे पदार्थों को केवल भोग करने के लिए खाता है तो वो चोर है। ये श्लोक हम पढ़ने जा रहे हैं 12वां। इष्टान भोगान, इष्टान मतलब जो पसंद है, भोगान का मतलब भोग करना, जो देव हम वो देता कौन है, देवता देता है। दास्यन्ते यज्ञ भाविता, यज्ञ से जो देवता हमारे को भोग देते हैं। तैर दतान अप्रताय व्यव, तो उनको अगर वापस कुछ अर्पण नहीं करता है। यो भुंगते स्तन एवं, स्तन का मतलब चोर, अगर वो खाता है तो चोर है। इसका अर्थ है कि अलग अलग विभागों के देवता आपकी आवश्यकता की चीजें यज्ञ करने के ऊपर देते हैं, और आप उनको वापस देवताओं के लिए यज्ञ नहीं करते हो तो जो उनको दिया हुआ पदार्थ खाते हो तो चोर कहलाओगे। आप देखिए देवता भगवान विष्णु के प्रतिनिधि हैं अलग विभागों के, उनकी प्रसन्नता यज्ञ के ऊपर है, इसलिए हमको यज्ञ करना चाहिए। परंतु सारे देवता को मालूम है कि भगवान के वो प्रतिनिधि है, इसलिए भगवान प्रसन्न होना चाहिए। अब एक बात लिखी है कि जो अभी तक भगवान को नहीं जानते हैं, भगवत तत्व का अभी जिनको बोध नहीं है, उनके लिए देवताओं के यज्ञ का विधान है। ये लाइन आपको मिली, ये छठी लाइन में है, मिला आपको? ठीक है। अब इसके बाद देखिए, लोगों के जो गुण हैं, ये गुण का मतलब कोई सतोगुण में है। यह मच्छर भी आई ना, एक सतो, देखो कोई सतोगुण में है तो उसके यज्ञ और हैं, रजोगुण के हैं तो उसके शास्त्र और हैं, तमोगुण के हैं तो उसके यज्ञ और शास्त्र और हैं। ये बात जो यहां शब्द लिखा है ना, गुण, वेदों से ऐसे अलग अलग गुणों के अलग अलग यज्ञ हैं। अब एक प्रभुपाद जी से उदाहरण दे रहे हैं कि जो मांस खाना चाहते हैं उनको काली देवी को उमास के दिन काला बकरा अर्पण करना चाहिए, वो बात कर रहे हैं। फिर एक शब्द देखो आपके इस तात्पर्य के नीचे, पंच महायज्ञ, ये इसका यहां वर्णन नहीं है लेकिन आपको समझ लेना चाहिए। हर गृहस्थी के घर में पांच हत्याएं रोज होती हैं, उसको बोलते हैं पांच सुनु। झाड़ू निकालते हुए जीव मरते हैं, पानी भरते हुए मरते हैं। आप देखो शैंक में कभी जाता है आपके आंखों के सामने चूंटी जली जाती है, झाड़ू निकालते अनाज में से तो एक एक चूंटी करके बाहर निकालते हैं जीव को, आग जलाते हुए धान को कूटते हुए, तो इसको कहते हैं पांच हत्याएं हर गृहस्थी के घर में जाने अनजाने में रोज होती है, इसलिए पांच यज्ञ हैं जो सबको करने हैं। एक यज्ञ का नाम है देव यज्ञ, भगवान की पूजा करना या देवता की पूजा करना जैसी बुद्धि। एक यज्ञ का नाम है ऋषि यज्ञ, शास्त्र दिए उन ऋषियों का स्मरण करके शास्त्र पढ़ना। एक यज्ञ का नाम है पितृ यज्ञ, जो हमारे माता पिता दादा परदादा जिन्होंने हमको जन्म दिया, घर दिया, परिवार दिया, संस्कार। और चौथा यज्ञ है भूत यज्ञ, दूसरे प्राणी, गाय की रोटी, कुत्ते की रोटी, चींटी को दाना, पक्षी को पानी, क्योंकि ये सब भी हमारे ऊपर निर्भर है गृहस्थों के ऊपर। और पांचवें यज्ञ को कहते हैं अतिथि यज्ञ, मेहमान आए तो उसको आदर देना चाहिए, ये पांच यज्ञ कहलाते हैं। यहां देखो पांच महायज्ञ लिखा है और नीचे इनका कुछ प्रभुपाद जी नाम भी लिख रहे हैं। देवता हमारे को सब खाने की सामग्री देते हैं और खाने की सामग्री में क्या क्या है, अन्न है, सब्जियां हैं, दूध है, गन्ना है, गन्ने से चीनी बनती है, ये सब देवता देते हैं। सात्विक लोग तो इनको खाते हैं, लेकिन राजसिक और तामसिक लोग हैं उनका भोजन कुछ आहार दूसरा हो जाता है। जो शाकाहारी नहीं है वो भी पशु खाते हैं, पशु भी तो अन्न खाते हैं।
हम हमारी भाषा कहते हैं, मैं कहते हैं वो सेकंड हैंड खा रहे हैं, क्योंकि हम खाते हैं अन्न और अन्न का बनता है भूसा, बचा हुआ भूसा खाते हैं पशु, उसको वो खा रहे हैं। भूसा खाती है बकरी, घास खाती है बकरी, उसको वो खा रहे हैं, वो सेकंड हैंड, वो सेकंड हैंड माल खा रहे हैं, और मरे हुए मुर्दे। और दूसरी भी चीजें जो है देवता देते हैं, और ये चीजें कोई भी कहीं से बन नहीं सकते। कभी हम प्रचार में कहते हैं कि एक दाना गेहूं का आपके फैक्ट्री में बन नहीं सकता है, धरती से उगेगा, कहीं से ऐसी मशीन नहीं है कि घास डालो और दूध निकल के आए, ये सब भगवान के व्यवस्था से सब हमको मिल रहा है। भगवान की कृपा के बगैर न तो सूर्य से प्रकाश मिलेगा, न चंद्रमा से शीतलता मिलेगी और रस बरसेगा, न समय के ऊपर बरसात होगी और न वायु बहेगी, तो क्या करेंगे? उसके बगैर तो हम जी नहीं सकते। हमारे जीने के लिए क्या चाहिए? पहले 2 मिनट से हवा न मिले तो मर जाएंगे। तो ये हवा मुफ्त में भगवान ने दी है कि नहीं दिए? और 12 घंटे तो बिना पानी के रह नहीं सकते हैं। ये पानी भगवान खारे पानी समुद्र को कैसे बादल के रास्ते बरसात में बरसा के हमारे को मीठा करके देता है? 3 हिस्सा धरती के ऊपर पानी पड़ा है समुद्र में, पी नहीं सकते। इसी को बिना किसी मोटर के, बिना किसी बिजली के, गर्मी से सूर्य से ऊपर उठा के बादल बना के मीठा भरकर बरसाता है, नदियों में बहत बहाता है। कितनी बड़ी कृपा है भगवान की। और अन्न नहीं खाएंगे तो मर जाएंगे। अन्न तो धरती से पैदा होता है, एक दाना 3 महीने में 1000 दानों के रूप में वापस आता है। इतना रिटर्न 3 महीनों में कोई बिजनेस नहीं देगा। अब आप देखिए, फिर प्रभुपाद ने यह भी यहां तक लिखा है कि आपको खनिज जो मिलता है, खनिज कहते हैं जो पर्वतों से सोना चांदी और जो धातु और मिलते हैं, उनका वर्णन लिखा है। ये सब भगवान क्यों देता है? ताकि हम असल में आत्म साक्षात्कार के मार्ग के ऊपर आगे बढ़ सके। तो हमारे जीवन का लक्ष्य यज्ञ करने से पूरा होगा। अब आप ये चोर के ऊपर आइए, देखा लिखा है, तो ये सब भगवान देता है देवताओं के माध्यम से। अगर भगवान को प्रणाम नहीं करते हैं, धन्यवाद नहीं करते हैं, देवताओं का यज्ञ नहीं करते हैं, तो हम चोर हैं। फिर लिखा है, ऐसे बड़े भौतिकवादी चोर जीवन के परम लक्ष्य को नहीं जानते हैं। वो केवल इंद्रिय तृप्ति के लिए ही जीते हैं। उनको ज्ञान ही नहीं है कि यज्ञ कैसे करना चाहिए। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने सबसे सरल यज्ञ संकीर्तन यज्ञ जो है वो धरती पे ऊपर लाए। उसको कोई भी कर सकता है और कृष्ण भावना में आगे बढ़ सकता है। आगे आएगा कि जो चोर है और जो पाप खाता है वो कैसे सुखी रह सकता है। अब 13वां श्लोक पढ़ रहे हैं। यज्ञ सिन्न अशिष्टासन, शिष्ट का मतलब है जो बचेगा, शेष बचेगा यज्ञ के बाद, इसका मतलब भगवान को भोग लगाने के बाद प्रसाद। संतो मतलब संत, प्रभुपाद का तात्पर्य संत शब्द के ऊपर है। मुच्यन्ते सर्व क्लवशी, ही सारे पापों से मुक्त हो जाएगा, प्रसाद खाएगा तो पापों से मुक्त हो जाएगा। यज्ञ में अर्पण करके शेष बचा हुआ अमृत पिएगा, यज्ञ से बचे हुए को अमृत बोलते हैं। वो अमृत का मतलब वो भोजन ऐसा है जो मृत्यु से मुक्त करने वाला है। और जो ऐसे नहीं करता है, यो भुंजते अगम पापा, ये पचंती आत्म कारणा, जो केवल अपने लिए बनाते हैं, भोग नहीं लगाते हैं, वो पाप खा रहे हैं, वो चोर हैं। अगम पापा, वो पाप खा रहे हैं, वो चोर हैं। किसी ने कहा हम अपने लिए बनाते ही नहीं है, हम तो जाके रेस्टोरेंट में खाते हैं, तो डबल पाप ही है, डबल चोर है। देखो इस श्लोक में प्रभुपाद का पहला तात्पर्य है संत शब्द के ऊपर। संत किसको कहते हैं? तो आप एक छोटा सा संत शब्द, संत किसको कहते हैं, इसका एक छोटा सा परिभाषा लिखो। प्रभुपाद के इस श्लोक में संत किसको कहा गया है? संत कौन है? कृष्ण
भक्त और कृष्ण भाव, इनको संत कहते हैं। अब आगे पढ़िए, जैसे ब्रह्म संहिता में कहा है, प्रेम अंजन सुरित भक्ति विलोचन संत सदैव हृदय शोवलोक्यन्ति, जो हृदय में सदा ही भगवान का दर्शन करते हैं उसको संत कहते हैं। गोविंद का अर्थ क्या है? गो कहते हैं इंद्रियों को, विंद कहते हैं आनंद, इंद्रियों को आनंद देने वाला। मुकंद किसको कहते हैं? मुक्तिदाता। कृष्ण किसको कहते हैं? सर्व आकर्षक। और ये कोई भी चीज भगवान, हां भक्त जो है भगवान को अर्पण मैंने करने के बगैर कुछ नहीं खाता, इसलिए ये भक्त सब यज्ञ कर रहे हैं। कौन कौन से यज्ञ भक्त कर रहे हैं देखो, यहां एक आप पहले संत की परिभाषा लिखो, फिर इस्कान में यज्ञ की परिभाषा लिखो। कृष्ण भावना में यज्ञ की परिभाषा क्या है? श्रवण यज्ञ, कीर्तन यज्ञ, सुमरण यज्ञ, अर्चन यज्ञ, ये सब यज्ञ हैं। जो हम अब कथा सुन रहे हैं ये यज्ञ है, कीर्तन तो संकीर्तन यज्ञ ही है, सुमरण कर रहे हैं, जप कर रहे हैं ये जप यज्ञ है, अर्चन कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं ये भी यज्ञ है। और ऐसे जो यज्ञ करता है वो भौतिक संग से दूर रहता है, पाप से दूर रहता है। और दूसरे कौन है? देखो, जो चोर भी है और पापी है वो कैसे सुखी रह सकता है? जिसको सुखी रहना है उसको संकीर्तन यज्ञ करना सिखाना चाहिए, नहीं तो कभी शांति और सुख नहीं मिलेगा। अब 14 श्लोक, हाँ जी, ले लीजिए, फिर मैं जितना होगा उतना पूरा करेंगे। मेरे पास 10-15 मिनट है, लाइट भी नहीं है, कुछ भी नहीं है घर में आज सुबह से। बोलिए क्या प्रश्न है? आज पूरे शहर की लाइट बंद है। हाँ जी, प्रश्न बोलिए, प्रश्न बोलिए। नहीं प्रभु जी, आप अपना थोड़ा सिस्टम चेक करिए, आपकी आवाज नहीं आ रही है, तब तक हम एक दूसरा प्रश्न लेते हैं। सुवर्णांगी गोपी का मत बेटा। पंच महायज्ञ अवश्य करने चाहिए, तो इसमें आपने बताया देव यज्ञ, तो ये देव यज्ञ क्या होता है? भगवान की पूजा करना घर में, हर गृहस्थी के घर में भगवान का चित्र होना चाहिए, फोटो होना चाहिए या मूर्ति होनी चाहिए, विग्रह। नहीं, देवता को सब देवों का देव तो भगवान ही है, कृष्ण भावना में तो भगवान की ही पूजा करेंगे, बाकी जब वो कोई नहीं जानता है भगवान को तो देवता की पूजा करेगा। लेकिन यहाँ जो है वो सबके लिए वेदों में है, तो देवता की भी कर सकते हैं, लेकिन हमारे लिए भगवान की पूजा है यहाँ। भाई हम, हमारी अपनी गौशाला इतनी है, उसके अंदर आप चारा भे महीने का के एक गाय का चारे का व्यवस्था करके दे दो उनको, तो चला दो, ये बहुत अच्छा कार्य है। वैसे पहली रोटी हर गृहस्थी की गाय के लिए निकलती थी और आखिरी रोटी कुत्ते को देते थे, अब पहली रोटी पति को खिलाते हैं तो बेचारा गाय की तरह बैठा रख रहे चुप करके, और आखिरी कौन खाता है भगवान जाने, सारा दिन झगड़ा चलता रहता है, तो ये दो रोटियां ही गुम हो गई सबके घर से। नहीं, अब मैं एक बार कहा कि प्रभुपाद से किसी गृहस्थ ने पूछा कि मैं अभी शादी किया है, मेरा धर्म क्या है? प्रभुपाद ने कहा, भोजन करने से पहले बाहर खड़े होकर कहो कि कोई भूखा है तो उसको खिला के फिर खाओ, यही कहा। तो हमने ये प्रवचन बॉम्बे में दे रहे, तो किसी ने कहा यहाँ हम कहेंगे आओ तो आधा बॉम्बे आ जाएगा और हम 17वें माले पे रहते हैं, कैसे खिलाएं? तो हमने कहा इसका बहुत सरल तरीका है कि एक व्यक्ति को जितना भोजन आवश्यकता है उतना आप महीने का राशन
जहां भक्तों की सेवा हो रही है, जहां अतिथियों को या गरीबों को भोजन दे रहा है, वहां दे दिया करो। आप एक अपना नियम बना लो कि एक व्यक्ति को जितना कम से कम खिलाना है उतनी व्यवस्था महीने में किसी मंदिर में किसी और जगह जहां आपकी आस्था है वहां दे दिया करो। देखो क्या अब देखो अभी तक जितने भी भारत के संस्कृति में है, रोज मैं आज मैं सुबह घूमने जाता हूँ तो लोग पक्षी को दाना डालते हैं, चींटी को दाना डालते हैं, पानी भर के रखते हैं, ये एक संस्कार है। यहाँ तक मैं रशिया में जाके देखा कि सर्दियों में हाथ के ऊपर दाना रखो तो कबूतर आके खाता है, वहां भी ये संस्कार पड़ी। कर्म बंधन काय का, ये बेचारे पक्षियों को खिलाने गाय को खिलाने में कर्म बंधन से मुक्त होगा, ये यज्ञ है आपको करना है, नहीं तो पाप रोज ही लग रहा है, ये पशु कितने मर रहे हैं हमसे रोज। ये बहस का विषय नहीं है आपसे, ये आपके पूर्वज करते आ रहे थे, आपने छोड़ दिया है। हाँ ये सब नहीं होते हैं, कृष्ण भावना में कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, लेकिन उस स्तर पे हो तो, अगर नौकरी कर रहे हैं धंधा कर रहे हैं तो फिर ये सब कुछ करना जरूरी है। हमको कहते हैं मैं भक्त बन गया हूं अभी काय के लिए मैं जो है गाय को खिलाऊं या ब्राह्मण को दूं, तो मैं पूछता हूं तुम बीमार होते हो तो अस्पताल जाते हो, डॉक्टर को पैसे देते? बोला हाँ। क्यों तुम कृष्ण भावना हो गए फिर इस डॉक्टर के पास क्यों जाते हो? जब तुम डॉक्टर के पास जाते हो, वकील के पास जाते हो, तो अभी इसका मतलब है कि तुम्हारे को अपने धर्म के नियमों को नहीं छोड़ना चाहिए। जितना है वो सब चीजें कृष्ण भावना भावित हो सकती है, हमारी अपनी गौशालाएं हैं। और वृंदावन के अंदर तो एक जगह है जहाँ रोज के नहीं तो कई बोरियां मोरों को दाना डाला जाता है, नाम ही मोर टीला है। ये सब चीजें हो रही है, ऐसा नहीं नहीं हो रही है। हरे कृष्ण चंडोल। हाँ तो प्रश्न पूछे हमें क्या है, वो तो ये अगली बार पढ़ेंगे, इनकी इच्छा है तो इनको समझना चाहिए, नहीं समझ में आएगा तो आगे कैसे बढ़ेंगे? आगे बढ़ने का कोई लाभ नहीं अगर समझ में नहीं आता है तो। ये बेचारे ज्यादातर जो है नहीं कृष्ण भावना से परिचित तो कम समय से है, इसलिए इनके बहुत प्रश्न है तो पूछने दीजिए। क्या प्रश्न है भाई? अरे बाबा मैं हाथ जोड़ता हूँ आपको, हरे कृष्णा जब वो सब यज्ञ हो जाएंगे, ये कोई प्रश्न नहीं है, मैं एक सिद्धांत बता रहा हूँ, आप सिद्धांत समझो। आप ये ऐसा प्रश्न पूछ रहे हैं जिसकी कोई महत्व नहीं है, अब हरे कृष्णा जप रहे हैं तो सब यज्ञ हो जा रहे हैं, सही है, लेकिन इसके अलावा आप पूर्ण रूप से कृष्ण भावना भावित हैं क्या? जब तक नहीं है तब तक हमारे को कुछ अपने वर्ण आश्रम की मर्यादाओं का पालन करना चाहिए। अद्वैत आचार्य भगवान का अवतार है, श्राद्ध करके और घर में अपने हरिदास ठाकुर को भोजन के लिए बुलाया, तो क्या हम अद्वैत आचार्य से भी ऊपर हैं साधन में, इसलिए अब कोई अपना कर्तव्य कर्म नहीं करेंगे क्या? ये अब नए अभी भक्त हैं उनको दिमाग में ये डाला गया है बस आपको कुछ नहीं करना, ऐसा नहीं है, ये शास्त्र के विधान के अनुसार चलना है। देव का मतलब भगवान का पूजा करना है, भगवान का पूजा घर में सबको करना है, हर गृहस्थी के घर में भगवान का मंदिर होना चाहिए ना, नहीं तो भोग कैसे लगाएगा, प्रसाद कैसे खाएगा? इसके आगे वाले श्लोक में प्रसाद की महिमा है। हाँ हाँ जी, 33 करोड़ होते हैं, कोटि और करोड़ एक ही बात है, कोटि को करोड़ ही कहते हैं संस्कृत में। हाँ जी हाँ जी, कोटि और करोड़ एक ही, कोटि संस्कृत में करोड़ को कहते हैं। धन्यवाद। हाँ जी क्या प्रश्न है? अरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत बोलिए। काली को क्यों भौतिक प्रकृति का विकराल रूप कहते हैं प्रभु जी?
अरे भैया, ये भगवान की बाहरांग शक्ति है जो इस जगत की स्वामिनी है। ये जगत है जेल, और जगत है जेल खाना, और इसकी स्वामिनी है दुर्गा, और उसके हाथ में है त्रिशूल। किसका आवाज नहीं आ रहा है, आपका मेरा? ये भगवान की तीन शक्तियां हैं, आगे आप पढ़ेंगे। भगवान की तीन शक्तियां हैं, बाहरंग शक्ति भौतिक जगत को चलाने वाली दुर्गा है, उसके बहुत सारे रूप हैं, उनमें एक काली का रूप है जिसके हाथ में त्रिशूल है, और संसार में सबको तीन प्रकार का कष्ट दे रही है, दंड दे रही है। जेल में जैसे दंड मिलता है, आदि भौतिक आध्यात्मिक आदि आदि देविक, तो ये भी एक जैसे काली है, भैरव है, ये भयानक देवताओं के रूप है, लेकिन है ये भी भगवान विष्णु के भक्त। इनकी पूजा तमोगुण के लोग करते हैं, जो तमोगुण की प्रवृत्ति के हैं। रजोगुण की प्रवृत्ति के लोग जो हैं, वो लाभ जहां मिलता है उसकी पूजा करते हैं। सतोगुण के भी, सतोगुण के वाले भी देवताओं की पूजा करते हैं। तीनों गुणों से जो ऊपर होते हैं वो भगवान की पूजा करते हैं। तो देवताओं, ये जो हमारे पुराण है, ये भी छह तमोगुण वाले लोगों के लिए, छह रजोगुण वाले जो सतोगुण वालों के लिए है। जैसे हमारे लिए विष्णु पुराण है, पद्म पुराण है, भागवत पुराण है, स्कंद पुराण है, ये सात्विक लोगों के लिए है। तो ये विस्तार वाला विषय है। आप भगवत गीता के जो तात्पर्य है इनको पहले ठीक समझे तो अच्छा है। और कोई क्या प्रश्न है? मैंने अब मेरे पास ना लाइट है और ना कोई और व्यवस्था है, और टाइम भी 6 बजने वाले हैं। ठीक है। एक कोई प्रश्न है तो पूछ ले। मैं सोचा 17 श्लोक तक जाएंगे लेकिन नहीं पहुंच पाए रहे, खत्म है। हाँ, ये भी जो जो टॉर्च की लाइट भी बेचारी बंद हो रही है। अच्छा,